जो एक जीवन है उसको इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको प्राण भी बोलते हैं। प्राण के कारण ही हमारे शरीर में एक चेतना आती है, एक जीवन का संचार होता है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है? पूरे ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, अनंत ब्रह्मांड में जो कॉन्शियसनेस फैली हुई है, जो चेतना फैली हुई है, इसको हम परम चेतना बोलते हैं, उसको स्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, वो एनर्जी बस फैली रहती है, लेकिन एक और एनर्जी है, बहुत ही विचित्र है, उसको बोलते हैं काइनेटिक व क्रिएटिव एनर्जी। बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, उसके कारण ही पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व और हमारा भी अस्तित्व सफल होता है, साकार होता है, सत्य होता है, वरना नहीं। वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हर अणु में छुपा हुआ है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी विचित्र है, कितनी शक्तिशाली है, कितना स्किल है, वो समझते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जिसको आद्य शक्ति भी बोलते हैं, प्राण के साथ मिलकर के हमारे शरीर में सबसे पहले एक एग बनाता है। जैसे कि जो सीड है, जो बीज है, सीमेन के माध्यम से स्त्री के शरीर में जाता है तो एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। धीरे धीरे डिवीजन होते हुए फिर देखिए किस तरीके से आगे बढ़ता है।